मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में शीतल समूह के कर्मचारी पर लाखों रुपयों का गबन करने का आरोप लगा। दरअसल शीतल समूह मंडीदीप में बिजली और मेंटेनेंस की वसूली करने वाले कर्मचारी फहद बीन राइस पर लाखों रुपए की हेराफेरी कर गबन करने का आरोप लगा है। शीतल समूह के संचालक मनोज प्रधान का कहना है कि फहद नाम का व्यक्ति जो हमारे पास काम करता था वह कंपनी से लगभग 18 लाख रुपयों की हेराफेरी कर फरार हो चुका है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मंडीदीप थाना प्रभारी राजेश तिवारी का कहना है कि शीतल समूह में लाखों रुपयों के गबन करने का एक मामला सामने आया और उसके बाद पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी शीतल समूह के नाम से मंडीदीप में हमारे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट में एक कर्मचारी जिसका नाम फहद बीन राइस है, पिछले 5-6 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था। विगत 1.5 वर्ष से उसकी जिम्मेदारी हमने बिजली एवं मेंटेनेंस की रिकवरी में लगाई थी, जिसमें उसने दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक 13 माह में लगभग 18,88,000 का घपला किया है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस में दर्ज करा दी है और पुलिस को पर्याप्त सबूत भी उपलब्ध करा दिए हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। यह धोखाधड़ी उसने पब्लिक से लिए हुए पैसे में की है और जिस दिन से धोखाधड़ी खुली है उस दिन से वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि वो हमें इस पूरी घटना में न्याय दिलाने का। शीतल सिटी जो ग्रुप है उसके मैनेजर हैं पंकज यादव, उनके द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति फहद नाम का, जो मेंटेनेंस में राशि का कलेक्शन करता था और वो राशि का पूरा हिसाब नहीं दिया है और वो उसमें लगभग 15-16 लाख रुपए का गबन करके और बिना बताए कहीं चला गया है, जिसकी उन्हें लिखित शिकायत की है, जिसकी विधि अनुसार जांच की जा रही है। जांच उपरांत उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है, जांच की जा रही है, जांच उपरांत जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी उसकी जानकारी नहीं हो पाई कि वो कहाँ पर है और सभी प्रकार के उसके प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रीम कॉन्वेंट स्कूल की ओर से समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संजीव जैन, संचालक ड्रीम कॉन्वेंट हाई स्कूल, सतलापुर, मंडीदीप, जिला रायसेन। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यातायात नियमों का पालन करें। निवेदक राजेश तिवारी, थाना प्रभारी, मंडीदीप, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यातायात नियमों का पालन करें। निवेदक कुंवर सिंह मुकाती, थाना प्रभारी, बरेली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यातायात नियमों का पालन करें। निवेदक PN गोयल, SDOP, सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यातायात नियमों का पालन करें। निवेदक BL त्यागी, थाना प्रभारी, गोहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यातायात नियमों का पालन करें। निवेदक राजपाल सिंह जादौन, थाना प्रभारी, पाड़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यातायात नियमों का पालन करें। निवेदक RS पांडे, थाना प्रभारी, बम्होरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच गुड्डी बाई, पूर्व सरपंच, पूरन सिंह यादव, प्रवीण यादव, अनिल यादव, गोलू यादव, सौजन्य से समस्त ग्राम पंचायत किरतपुर, जनपद पंचायत बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सचिव गजेंद्र सिंह लोधी, रविंद्र, रघुवंशी, रोजगार सहायक, सौजन्य से समस्त ग्राम पंचायत साईखेड़ा, जनपद पंचायत सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व पर रायसेन पुलिस के सतलापुर द्वारा सभी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मेरा सभी देशवासियों नगरवासियों के लिए एक संदेश है कि यातायात नियमों का पालन करें, दो पहिया वाहन हेलमेट लगाकर चलें, चार पहिया वाहन चलाते समय आप सीट बेल्ट का उपयोग करें एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कृपया करके यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। धन्यवाद। सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर सागर मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको बहुत गर्व है कि हमारे गुरुजनों ने बहुत देश के लिए काम करा, बहुत कुर्बानियां दी और आज हमें इतना सक्षम बनाया कि आज हम इस स्थिति में हैं कि लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और सुविधा के एक रूप में एक छोटी सी फैक्ट्री का निर्माण 2013 में सागर मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपके क्षेत्र में हुआ था, जिसकी क्षमता चार गुनी बढ़ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट की मात्रा करीब 2000 पहुंच गई है। आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग रहा तो ये और भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, युवाओं को, उद्योगपति साथियों को, रहवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सिर्फ मानना यह है कि गणतंत्र दिवस, संविधान का दिवस, वो सिर्फ अधिकार ही नहीं देता है, संविधान अधिकार की बात करता है लेकिन उसमें कर्तव्य भी कुछ निहित हैं जिनको हमें अपने अधिकारों की बात करते हुए याद रखना चाहिए। आइए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और फिर अपने अधिकारों की बात करें, यही सच्चा गणतंत्र दिवस मनाना होगा। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। जय भारत, भारत माता की जय। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद पंचायत सिलवानी की ओर से सभी प्रदेशवासी एवं जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार विके, जनपद सिलवानी। मैं विनीत तिवारी, अनुभागीय दंडाधिकारी मोहरगंज जिला रायसेन, सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिले के निवासियों एवं अनुभाग मोहरगंज के निवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।